हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवेश कुमार, आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लॉइज। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर महीने बिजली बिल समेत कई तरह के बिल जमा करने होते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू डेट पर चुकाना भूल गए हैं तो आपको भारी जुर्माना पड़ सकता है। लेकिन नए नियमों के मुताबिक ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करने के बावजूद आप पेनल्टी चार्जेस से खुद को बचा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्यू डेट निकलने के बाद बिना किसी चार्ज के पेमेंट का विकल्प ग्राहकों को मुहैया कराया है। तो आरबीआई ने बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों से कहा है कि वे ड्यू डेट के 3 दिन के बाद ही पेनल्टी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट ड्यू डेट पर करने से चूक गए हैं तो आप खुद ड्यू डेट के 3 दिनों के भीतर पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए 21 अप्रैल 2022 को जारी मास्टर डायरेक्शन के मुताबिक आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारी करने वाली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के कारण क्रेडिट कार्ड अकाउंट को पास्ट ड्यू डेट के रूप में दिखाएंगे। देरी पर पेनल्टी चार्ज, लेट फीस या अन्य चार्जेस तभी लागू किए जाएंगे जब क्रेडिट कार्ड अकाउंट 3 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है। यानी अगर आप क्रेडिट कार्ड को पेमेंट ड्यू डेट के बाद 3 दिनों के अंदर करते हैं तो आप पेनल्टी से बच सकते हैं। इसमें देर पेमेंट करने पर लगने वाली पेनल्टी से भी बच सकते हैं। अगर आप 3 दिनों के भीतर पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियों आमतौर पर बकाया राशि के आधार पर पहले से निर्धारित देर से पेमेंट चार्जेस लगाती है। इससे लेट फीस और बकाया राशि के हिसाब से बढ़ता है। बिल का राशि जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा लेट फीस लगती है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम इतना ही बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल है या कोई सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मिलते किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।